बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के दिन देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, जिन छात्रों ने एक्स फॉर्म डाला है या फिर जो छात्र प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए जूलॉजी का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ जो आपका 2022 में होने वाला, मतलब कि 1 जुलाई 2022 को आपका एक पेपर होने वाला है जूलॉजी का फर्स्ट और आपका साथ ही साथ फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो फिजिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है और साथ ही साथ मैंने जूलॉजी की भी वीडियो इस वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं। क्वेश्चन जो आपके पेपर में छप रहे हैं, इस वीडियो में केवल हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। 10 क्वेश्चन याद करके आप 70% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि आप 2022 में आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, केवल आप एक दिन तैयारी करके 70% ला सकते हैं। वो तरीका आप इस वीडियोस में देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस यही पढ़ लेना, बाकी आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कह सकते हैं कि सर मेरा पेपर ऐसे गलत चला गया, अब मुझे अगले पेपर में क्या करना चाहिए, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि अगला पेपर आपको किस तरीके से देना है। आप हमसे जुड़िए और अपने भाई बहन जो भी है, दोस्त है, सखी है, सहेली है, सबको बता दो कि भाई पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से ही पढ़ो, बाकी किसी और से भरोसा मत करो। समझ रहे हैं? तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को देखो। हम ये कहते हैं, हमको प्रूफ दिखाते हैं। आप पेपर जैसा ही आपका पेपर होता है, मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7037327838 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर तुरंत फोटो को भेजो जिससे मैं कह सकता हूँ कि यार देखो जो कहता हूँ वही पेपर में आता है। ये प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं आपको कि आप भरोसा करें हम पे सबसे। तो ये चीज समझना होगा आपको, समझने के साथ साथ अपने दोस्तों से भी बोलना पड़ेगा कि पेपर हैकर ऐसा करता है। ठीक है, जो हम आपको गैस करके जो क्वेश्चन देते हैं वही टोटल पेपर में छपते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, पेपर हैकर को, बीएससी बाई पेपर हैकर को, बीए बाई पेपर हैकर को, बीकॉम बाई पेपर हैकर को, जितने हमारे चैनल हैं यूट्यूब पर 15-20 चैनल हैं, सबको सब्सक्राइब कर लो यार। चलो अब बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं, मतलब कि आपके पेपर में 1 जुलाई को कौन सा पेपर आने वाला है, मतलब कि कल के पेपर में क्या क्या छप रहा है, आज रात में हमें क्या पढ़ना है, आज से पढ़ना क्या है वो समझ लो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर टिक लगाइए। देखो कुछ छात्र लॉन्ग और शॉर्ट के चक्कर में दिक्कत में आ जाते हैं, तो मैं आपको यह बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा या फिर शॉर्ट में। ठीक है, आपके बुक नोट्स गैस पेपर में जिस तरीके से दे रखा है, यदि ये क्वेश्चन शॉर्ट में दे रखा है तो आप शॉर्ट में पढ़ लो, यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग में पढ़ लो, शॉर्ट और लॉन्ग के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, यहां बोला हूं कि यहां बोला गया पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है उसके जनन प्रक्रिया, मतलब पैरामीशियम किस तरीके से जनन करता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल, मतलब कि कह सकते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में आपको याद कर लेना है। जब ये दोनों जनन आपसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा, यदि आप यही एक जनन आपसे पूछने लगा, रिप्रोडक्शन पूछने लगा, ठीक है, तो आपका शॉर्ट में बनेगा। अब आप मुझे बताओ कि यार ये दोनों आपको याद करने होंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होते क्या है और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, बस ये पढ़ लेना प्रोटोजोआ क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, बाकी पोषण कैसे करते हैं ये छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारियां याद कर लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में है मोनोसिस्टिस क्या है, उसका स्वभाव आकार चक्र के बारे में इसको देख लीजिए, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ये है सिलेंटेडा के समान लक्षण और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, सिलेंटेडा पढ़ लेना, इसमें आ जाता है एक आता है ओवेलिया, ओवेलिया का वर्णन आपको करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवेलिया के बारे में, और आपको एक आता है मेड्यूसा, मेड्यूसा की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपका चाहे शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में, ये लॉन्ग में ही होगा, शॉर्ट में नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सब लॉन्ग में देखने को मिलेंगे, यदि फिर भी लॉन्ग में देखने को मिलते हैं या शॉर्ट में देखने को मिलते हैं, लॉन्ग में नहीं है, शॉर्ट में आपके बुक में दे रखे हैं, तो आप शॉर्ट तरीके से भी पढ़ सकते हो, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक में आपको दे रहा हूँ उस टॉपिक यदि आपके बुक में कैसा भी है, नोट्स में कैसा भी लिखवाया आपके टीचर ने, लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में, तो आप उस तरीके को तैयार करना होगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन के आधार पर, मतलब ओवेलिया, ओवेलिया का वर्णन कैसे, मेडुसा का लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल देखनी है उसके, और कुछ नहीं देखना कि जनन कैसे करता है वो, ये कैसे जीता है, ऐसा कुछ हमें लाइफ साइकिल देखनी है, बस ये टॉपिक को ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिफेरा के समान लक्षण बोला गया है, देखो यहां पेरिफेरा,
कैनाल सिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है फेरी फेरे के कैनाल सिस्टम के बारे में देखो, बहुत ज़्यादा कैनाल सिस्टम इज मोस्ट में चलन मत देखिए, मोमेंट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला इसकी कैनाल सिस्टम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आपको ये देखना है, बाकी इसमें मोमेंटम नहीं देखना है, चलन कैसे होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स मैथड के आधार पर नहीं देखना है आपको, प्रैक्टिस किस तरीके से मैथड करना है ये मैथड नहीं देखना है आपको, बस सिर्फ ये कैनाल सिस्टम को देखना है, बस इतना याद करना है। ये नीचे वाला ध्यान मत दो, जो बता रहा हूँ बॉक्स में जमबद न कर रहा हूँ वही आपको, साइकन को देखूँ, इसकी कोशिका की संरचना आपको देखनी है, साइकन और इसके जनन के बारे में देख लेना है, किस तरीके से जनन करता है, ठीक है। और ये देखो, ये देखिए, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ये वाला लॉन्ग में देखने को मिलेगा, ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में, और ये वाला आपको शॉर्ट एक ही कह सकते हैं पीढ़ी एकांतरण, ये भी शॉर्ट में देखने को मिलेगा, बहुव्रता ये भी शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखना है डीनिया जिसे पिता कृमि कहते हैं, ये आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में, इसके जनन तंत्र के बारे में देख लेना और ये कौन कौन से रोग पैदा कर देता है ये देख लेना, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में देखने को मिलने वाला है। बाकी मलेरिया की बात करूँ, मलेरिया मलेरिया क्या जिसे कहते हैं मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रोग आपसे ये मिलेगा शॉर्ट में देखने के लिए, शॉर्ट में ये क्वेश्चन मलेरिया के बारे में डिस्कस करो, ठीक है, प्लाज्मोडियम जिसे बोलते हैं। बाकी हम देखो सेलर सेल को छोड़ दीजिएगा, और मेरा सीएम लार्वा को इसको आपको करना पड़ेगा, मेरा सीएम लार्वा ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, इसका आपको वर्णन करना है, और फेस्यूला का जनन तंत्र के बारे में आपको देख लेना है, और ये आपको मिलेगा लॉन्ग में देखने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और बाकी यहाँ आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और एपोपाइल क्या होता है इसको भी पढ़ लेना, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा आपके बुक में, यदि लॉन्ग में दे रखा है तो ये घबराना नहीं है कि आपको सर ने शॉर्ट में बोला है तो लॉन्ग में कैसे करें, तो आपको लॉन्ग पढ़ लेना, जिस तरीके से दे रखा है ना आपकी बुक में उस तरीके से आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आपको 70% यहां से लेके आना है, ठीक है। और मोनोसिस्ट आ जाए तो मोनोसिस्ट का आप जीवन चक्र देख लेना, बस काम हो जाएगा, मोनोसिस्ट का जीवन चक्र देख लेना, ठीक है, बाकी खत्म हो जाएगा। बाकी आप जब जीवन चक्र पढ़ोगे तो उसके बारे में स्वभाव और बाहर की संरचना सब कुछ देखने को मिल जाती है, ठीक है, जीवन चक्र में। तो बस यही आपका था जियोलॉजी का, आप कह सकते हैं फर्स्ट पेपर जो आपके 2022 के पेपर में छप रहे हैं, पेपर मतलब कि 1 जुलाई जो आपका 1/7/2022 को जो पेपर हो रहा है उसमें आने वाले क्वेश्चन है MJP अरुणखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना है, भाई कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछना, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सहेलियों को शेयर कर दो, ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दो, समझ रहे ना, सभी को शेयर कर देना है, और आपके भैया जो भी हैं बहनें हैं उनको बता दो कि यार पेपर हैकर से ही पढ़ना है, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, ठीक है, आप नेकपाल की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट हमने डाल रखे हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, वी फार्मा कर रहे हो, तो उनके लिए हमने सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पेपर हैकर.in वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।